वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के फ्यूचर्स में। मारुति फ्यूचर्स आपका बाय है। इस बीच जरा प्लीज आप लेके आइए निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखिए। और जो बात मैं कह रहा था आपको कि प्लीज आज आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, निफ्टी आईटी ने आज एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से, प्लीज निफ्टी आईटी स्क्रीन पे लेके आइएगा। अच्छी बात है कि अगर आप देखें कल की लोवेस्ट जोन की तरफ गया ही नहीं और करीब 32,174, और ऑटो में सब्सटेंशियल बाइंग है। अभी आपने जिक्र करते हुए देखा सचिदानंद जी को मारुति के ऊपर, अब आप देखिए टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पे। मानस आई थिंक टीवीएस मोटर्स 654 देखिए जरा, ये भी अपनी लगभग 9 नवंबर 2021 से जो स्लोपिंग नॉर्मल चैनल है उससे बहुत स्ट्रांग एक निकलने का सिग्नल दिया था और आज सेकेंड अटेम्प्ट ले रहा है उस चैनल से निकलने का। और कल की कैंडल को हमें वेटेज भी देना पड़ेगा, आखिरी के एक घंटे के प्रेशर के बावजूद इतनी खूबसूरत कैंडल। आपका टेक टीवीएस मोटर्स पे? सेशन से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करने लगा है, नीचे की तरफ 630 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि ऊपर की तरफ 660 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन पैटर्न को देखें, अगर हम डेली चार्ट को देखें तो उसमें चांसेस ज्यादा लगते हैं कि ऊपर की तरफ हमें 660 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको शायद 700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 630 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 630 ही रखना पड़ेगा। पहले ही पिक आ चुकी थी M&M, मारुति, अब हमने आपके टीवीएस मोटर्स दिन के हाईस की तरफ मूव करता। ऑटो नहीं, ऑटो एंसरी देखिए, कोई MRF स्क्रीन पे लेकर आइएगा, 2.5-3% का उछाल। मैं सिर्फ वादा वाले मार्क कर देता हूं आपके लिए, बाकी तो कैश मार्केट बहुत तेजी नजर आएगी आपको। अपोलो टायर स्क्रीन्स पे दिखाइए, 2.25% का उछाल उसमें नजर आएगा। बॉश देखिए, 2% के आसपास की मजबूती। मदरसन सुमी 2.5% के आसपास का उछाल। तो ऑटो, ऑटो एंसरी इस समय फ्लेवर में आते हुए बहुत अच्छा मूव इस पूरे पैक में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहेती साहब, क्या आइडेंटिफाई करा आपने ओपनिंग के बाद? रिलायंस ही है प्रेफर्ड पिक, जिस हिसाब से बल्क बाइंग के डेटा आ रहे हैं और जो ब्लॉक डील्स हो रहे हैं रिलायंस में, मतलब जिस हिसाब से, और जो 2700 पे जब अभी जो कॉल राइटर्स जो ट्रैप्ड है, हमें लगता है कि यहाँ से 2770 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हमने 2690 का एक टारगेट डिस्कस किया था, तो हमें लगता है कि अब जो स्टॉप लॉस है वो उसके करीब 2680 का एक SL यहां से मेंटेन करे और रिलायंस में